नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा पर बैन और स्कूलों में टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के रोक के बाद अब हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक और प्रभावी कदम उठाया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला ने आज जिले के सभी डीसी, सभी क्षेत्रीय प्रशासक, मार्केट कमेटी के सभी कार्यकारी अधिकारी और सचिवों को अपनी सब्जी मंडी अथवा किसान बाजार 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्देश हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला के मुख्य प्रशासक ने जारी किए हैं। यह निर्देश आज से ही प्रभावी हो जाएंगे। आपके स्क्रीन पर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला द्वारा जारी किए गए पत्रों को भी दिखाया जा रहा है, जिसमें हिदायतों को लेकर साफ साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आप भी इन पत्रों को गौर से देख लीजिए। इसके अलावा मुख्य प्रशासक ने स्वास्थ्य विभाग को भी सूचित कर दिया है। हालांकि प्रॉपर तरीके से किसी भी जिले के एक स्थान पर यानी मंडियों में लगने वाली सब्जी मंडी को बंद करने के निर्देश नहीं है, वह रूटीन तौर पर लगती रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि पंचकुला हो या करनाल या फिर कुरुक्षेत्र या अंबाला, हरियाणा के सभी जिलों में किसान अपनी सब्जी सीधी बेचने के लिए हरियाणा के विभिन्न सेक्टरों में लगने वाली अपनी सब्जी मंडी में बेचने जाते थे। जैसे करनाल में अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग दिन हफ्ते में एक बार लगने वाली अपनी सब्जी मंडी में महिलाएं और लोग हफ्ते भर की सब्जी इकट्ठी कर घर ले आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब महिलाओं को या तो मेन सब्जी मंडी में जाना पड़ेगा, जिसे बड़ी सब्जी मंडी भी कहा जाता है, या फिर दुकानों से ही सब्जी खरीदनी पड़ेगी। आप तो जानते हैं कि देश भर में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या का आंकड़ा 166 पार कर गया है और देश में कोरोना वायरस से 4 मौतें भी हो चुकी हैं। हरियाणा में भी एक दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए हरियाणा सरकार कतई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हरियाणा के लोगों को सचेत कर चुके हैं। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या संदेश दिया था। आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। भारत में भी ये दस्तक दे रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वायरस से न तो डरें और न ही घबराएं। अगर किसी को बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश की समस्या है तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवाएं। हमने किसी भी प्राइवेट लेबोरेटरी को इस वायरस की जांच के लिए अधिकृत नहीं किया है। हरियाणा में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित कोई मरीज नहीं है। हमने विदेश से लौटे कुछ व्यक्तियों को निगरानी में अवश्य रखा है। अभी तक उनमें से भी किसी में इस वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया है। इस वायरस से बचाव की जानकारी न होने से इसका संक्रमण फैल सकता है, इसलिए हमने राज्य में हेल्पलाइन डेस्क स्थापित किया है, जिसका नंबर 8558893911 8558893911 है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी हेल्पलाइन डेस्क 108 स्थापित किया गया है। आप इन नंबरों पर फोन करके कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वायरस से बचने के लिए सफाई का ध्यान रखें। खांसते व छींकते समय मुंह व नाक पर रुमाल रखें। हाथों को साबुन से बार बार धोएं और भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर जाएं भी तो मास्क पहनकर जाएं। मैं प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वायरस से निपटने के सब इंतजाम किए गए हैं और हम आप सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रति। आपने सुना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा वासियों को किस तरह से अपील कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बातों पर अमल करना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को जो हिदायत दे रहे हैं उनकी पालना होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित और गंभीर हैं। देश की मोदी सरकार भी निर्णायक कदम केवल इसीलिए उठा रही है कि ताकि आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। हालांकि पहले यह अफवाह थी कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी अनाज मंडियों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जब समाचार एक्सप्रेस ने खबर का पता लगाया तो यह पता चला कि अनाज मंडियों को नहीं बल्कि हरियाणा के विभिन्न शहरों में अलग अलग स्थानों पर लगने वाली अपनी सब्जी मंडी को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है।
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला ने यह कदम केवल आपकी हिफाजत के लिए उठाया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला का मुख्य मकसद अपनी सब्जी मंडी में आने वाली भीड़ को रोकने का है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से हर हाल में रोका जा सके। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला के मुख्य प्रशासक ने इसकी बकायदा पुष्टि भी की है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला ने जो पत्र जारी किए हैं वो भी हमने आपको दिखाए, क्योंकि समाचार एक्सप्रेस ऐसे ही किसी खबर की पुष्टि नहीं करता, खबर प्रमाणित होने के बाद ही उसे आपकी स्क्रीन पर लाया जाता है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला ने जो प्रभावी कदम आपकी सेहत को लेकर उठाए हैं उन पर आप अमल जरूर करिएगा। 65 साल के ऊपर की उम्र के बुजुर्गों को तथा 10 साल की उम्र से कम बच्चों को घर से ना निकलने दें। हालांकि केंद्र सरकार ने इस दिशा में आज ऐलान भी कर दिया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.